एमएससीआई इंडेक्स, इसमें होने जा रहे हैं बदलाव। क्या हो सकते हैं बदलाव, कहां पर आएगा इनफ्लो, कहां से निकलेंगे पैसे, समझते हैं नूपुर के साथ। नूपुर बताएं। बिल्कुल, एमएससीआई फरवरी का जो रिव्यू, उसके डेटा जो उसका जो अनाउंसमेंट है वो कल रात को आते हुए दिखेगा। एडजस्टमेंट डेट बता देती हूँ, 29 फरवरी के दिन है। इस बार माना जा रहा है कि 80 से 100 करोड़ डॉलर तक का इनफ्लो इंडिया देख सकता है। करीबन 6,650 करोड़ से लेके 8,300 करोड़ तक का इनफ्लो यहाँ पे अनुमान लेके चल रहे कि एमएससीआई के बदलाव की वजह से आते हुए दिखेगा। इस बार पीएसयू जो है वो दमदार दावेदार बनते हुए दिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो इंक्लूजन की लिस्ट में आपको दिखेंगे वो पीएसयू के से ही आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इंडिया का एमएससीआई जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें करीबन 17.8% की होल्डिंग है, वो इस रिजिम के बाद 18.5% पहुंच जाएगा। पॉसिबल इंक्लूजन बता देती हूँ, जहाँ पे एनएमडीसी करीबन 1540 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पे आ सकता है, पीएनबी में 1500 करोड़ का, बीएचईएल 1300 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1100 करोड़, एनएचपीसी 1800 करोड़, और जिंदाल स्टेनलेस भी बात देखें तो करीबन 1250 करोड़। तो मोस्ट ऑफ द जो नेम्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं वो पीएसयू के ही है, एनएमडीसी, पीएनबी, बीएचईएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एनएचपीसी और जिंदाल स्टेनलेस, ये स्टॉक्स है जो यहाँ पे ले सकते हैं एंट्री। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 30 नए ऐसे स्टॉक्स होंगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए नजर आ सकते हैं, और सिर्फ 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस इंडेक्स से बाहर होते हुए आपको दिखेंगे। इसके अलावा मई में फिर से एक बार एमएससीआई का रिव्यू होगा, उसके पॉसिबल कैंडिडेट्स जिसमें कैनरा बैंक 100% सेफ नाम हो चुका है, ये तो आता हुआ दिखेगा ये आपको मई के रिव्यू में। इसके अलावा एल्केम लैब्स, बॉश, जीएमआर एयरपोर्ट्स, सोलार इंडस्ट्रीज, इंडस टावर और मैनकाइंड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो नजर रखनी है एनएमडीसी, पीएनबी, बीएचईएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एनएचपीसी और जिंदाल स्टेनलेस, ये इस बार अंदर आते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे एमएससीआई रिलेटेड बदलाव जो आते हुए दिखेंगे।